Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good and you are staying at your home. Today we will start with our new topic. New topic is three-digit number. Before starting this topic, I want to talk about some important facts. Some important facts are written on the board. You can see the smallest two-digit number is. If I ask you what is the smallest three-digit number, smallest two-digit number, then what will you give me answer? Do you remember? Okay, no problem. The smallest two-digit number is 10. आपने पिछली क्लासेस में इसको अच्छे से पढ़ा है कि smallest two-digit number 10 होता है और the second fact is the greatest two-digit number. The greatest two-digit number is 99. स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर होगा वो 10 होगा और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर जो होगा वो 99 होगा. आई होप ये चीज आपको याद है बिकॉज यू स्टडी इट इन प्रीवियस क्लास. ओके, बट हैव यू थिंक अबाउट इट दैट व्हाई द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10 एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99. ऐसा क्यों होता है कि 10 ही स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर होता है और 99 ही ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होता है? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट मैथ्स को सीखने के लिए और कोई भी सब्जेक्ट हो उसे हमें सीखने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डिजिट. व्हाट इज द डिजिट? डिजिट क्या होता है? डिजिट ये होता है जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. When we start counting, we write like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Can you see there when I wrote 10, I used two places. मैंने दो place का use किया. जब तक हम 9 तक लिखते हैं, 9 तक लिखते हैं तब तक तो हमारा एक ही place use होता है, एक ही digit use होती है. लेकिन जब हम 10 लिखते हैं तो हमें दो places का use करना पड़ता है ना. ऐसे ही जब हम आगे जाते हैं 11 तो भी दो प्लेसेस यूज आ रहे हैं, 12 दो प्लेसेस यूज आ रहे हैं. इसी तरह जब तक हम 100 तक पहुंचते हैं तो 99 तक दो प्लेसेस यूज होते हैं. देखेंगे आप 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक दो प्लेसेस का यूज होता है. और उसके बाद में क्या होता है, 100 आ जाता है और वहां पे क्या हो जाती है, थ्री डिजिट हो जाती है, थ्री प्लेसेस का यूज होता है. तो वही चीज डिजिट है, जितने प्लेसेस यूज हो रहे हैं वो डिजिट कहलाता है. जैसे टू डिजिट नंबर, टू प्लेसेस यूज आ रहे हैं तो दैट इज टू डिजिट नंबर. थ्री प्लेसेस यूज आ रहे हैं तो थ्री डिजिट नंबर. सो यू शुड रिमेंबर दैट व्हिच इज द टू डिजिट नंबर, व्हिच इज द थ्री डिजिट नंबर. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक और इम्पोर्टेंट थिंग आपको बोलना चाहूंगी कि सारे नंबर्स जो है वो जीरो और नाइन, जीरो से नाइन तक, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, जीरो से नाइन तक के जो नंबर्स हैं उनके यूज से ही बनते हैं. जितना भी आप लिखना चाहे, जितना भी बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर अगर आप लिखेंगे ना तो भी उनमें सारे नंबर्स जो यूज आएंगे वो जीरो से नाइन तक के ही होंगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स यूज आते हैं काउंटिंग पूरी लिखने में वो जीरो से नाइन तक के ही आते हैं, लेकिन जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टू डिजिट नंबर मीन्स टू प्लेसेस. देखो यहाँ पे जैसे हम 10 लिखते हैं तो क्या होता है, वन एंड जीरो, एक तो जीरो यूज आ रहा है और एक वन यूज आ रहा है. 11 लिख रहे हैं, क्या यूज आ रहा है, वन टू टाइम्स यूज आ रहा है. 12 लिख रहे हैं, वन और टू. तो ये क्या है, जीरो से नाइन तक के नंबर के बीच के भी नंबर में से एक नंबर है. तो बहुत ईजी है कि डिजिट्स क्या होती है, टू डिजिट. टू डिजिट मीन्स जहाँ टू प्लेसेस यूज है और थ्री डिजिट मीन्स जहाँ थ्री प्लेसेस यूज है. तो आपको डिजिट तो समझ में आ गया होगा. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि डिजिट क्या है. और हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ एनीवन आस्क अबाउट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, फोर, फाइव, सिक्स, व्हाटएवर, फोर, फाइव, जो भी नंबर की आपको डिजिट पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है, तो आप इजीली बता पाए. अब दूसरी जो चीज है वो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब हम 1 से 9 और 1 से काउंटिंग करते हैं तो 100 से पहले क्या आता है, लास्ट में 99. इन लास्ट 99 आता है और उसके बाद में क्या आ जाता है, 100. तो ये क्या हो जाते हैं, थ्री डिजिट नंबर्स, है ना. तो जो लास्ट नंबर आया टू डिजिट का, तो लास्ट नंबर
नंबर है जिसके बाद में थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है वो कौन सा है? 99. सो द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99. इसीलिए ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है? 99. बिकॉज आफ्टर 99 देयर कम्स थ्री डिजिट नंबर. उसके बाद में क्या हो जाता है? थ्री डिजिट नंबर आ जाता है. और तो ये तो समझ में आ गया कि सबसे लास्ट में 99 आ रहा है. टू डिजिट नंबर जो है सबसे एंड में, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? 99. सो इट इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर. नाउ जो स्टार्टिंग का पहला थ्री डिजिट नंबर है, मीन्स जब हम काउंटिंग करते हैं तो पहला थ्री डिजिट नंबर क्या होता है? 100. सो द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100. इस तरह से आप कोई भी नंबर बता सकते हैं. इफ आई आस्क यू द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज, यू कैन से 1. स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10. स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100. ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9. ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9. ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99. एंड ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999. थ्री डिजिट बोला है तो 3 times 99. टू डिजिट बोला है तो 2 times 9 आएगा. और वन डिजिट बोला है तो 1 time 9. ओके, लाइक दिस. तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का आंसर दे सकते हैं. एक बार मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ. आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह से लिखना है. स्टार्टिंग करनी है आपको पहले इस तरह से. पहले आप चैप्टर 3 लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे ये 4 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे. और अगर रिविजन के रूप में आप अगर ये एक और लाइन ऐड करते हैं तो अच्छा होगा. आप इन सबसे पहले 1 डिजिट नंबर भी लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर भी लिखेंगे. ओके, सो इस तरह से आपको पहले अपना वर्क स्टार्ट करना है. नाउ लेट्स कम टू योर चैप्टर. थ्री डिजिट नंबर क्या होता है? फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100 होता है ना. 100 होता है. सो सी, जब तक हमारे टू डिजिट नंबर थे लाइक 99, देन दैट इज वंस प्लेस एंड दैट इज टेंस प्लेस. ये टेंस प्लेस होता है और ये वंस प्लेस होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है. नाउ व्हेन थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट, दैट इज 100's प्लेस, 10's प्लेस एंड 1's प्लेस. ये 1's प्लेस है, ये 10's प्लेस है और ये क्या है? 100's प्लेस है. ठीक है, तो आप जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको 100's के नीचे 100's प्लेस का नंबर लिखना है, 10's के नीचे 10's प्लेस नंबर लिखना है और 1's के नीचे 1's प्लेस नंबर लिखना है. If you will write in this format, then there will be no mistake. कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आपने इस format को ध्यान में रखा है. और जब हम numbers बोलते भी हैं, number names words में भी लिखते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? 100, है ना? So three digit number में हमेशा क्या होता है? जैसे 100, अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाता है, तो क्या हो जाता है? 200, 300, 400 इस तरह से. और best place का 10, इसमें बहुत सारे आपको जो problems आएंगी उनको आप solve कर पाओगे easily अगर आपको ये ध्यान रहेगा 100, 10 और 1 का concept कैसे है. तो आपको अपनी notebook में भी जो counting आप लिखे तो आपको इसी तरह से लिखना है कि 100 के नीचे 100. अगर आपने 200 लिखा है तो 201 किस तरह से आना चाहिए? इसी तरह से आना चाहिए. 0 के नीचे 1, 0 के नीचे 0 और 2 के नीचे 2. इस तरह से आप लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी. नाउ व्हाट इज योर टुडेज वर्क, आपका आज का वर्क क्या है? ये तो आपको फर्स्ट पेज पे लिखना ही है. उसके बाद में आफ्टर राइटिंग दिस वन, यू विल राइट नंबर नेम्स फ्रॉम 101 टू 150. What will you do? You will write number names from 101 to 150. आपको number names लिखने हैं 101 से 150 तक अपनी notebook में. और फिर आप क्या करेंगे अपनी बुक में? अब हमारे चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें चैप्टर्स में वर्क भी काफी सारा है, तो आपको जल्दी जल्दी वर्क करना होगा, थोड़ा ज्यादा ज्यादा वर्क करना होगा. वैसे मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा, बहुत आसान है आप लोगों के लिए, इतना तो आप कर सकते हैं. तो आप पहले अपनी नोटबुक में ये सब लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 101 से 150 तक की काउंटिंग एंड देन
देन यू विल ओपन पेज नंबर 23 इन योर बुक. आप पेज नंबर 23 अपनी बुक में ओपन करेंगे और क्या करेंगे, और ये काउंटिंग कंप्लीट करेंगे 101 से 300 तक. तो ये बुक में ही करना है. ये वाला वर्क जो है, जो आपकी बुक में दे रखा है, ये काउंटिंग आपको बुक में ही लिखनी है. ये आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, बट आपको नोटबुक में जो काम करना है वो मैंने आपको बोर्ड पे मेंशन कर दिया. आई होप यू गेट इट एंड यू विल राइट ऑल द नंबर नेम्स फ्रॉम 101 टू 150 ऑल्सो, बिकॉज 101 आपको स्पेलिंग लर्न किसी करनी ओनली 100 की, जो आप प्रीवियस क्लास में लर्न कर चुके हो ऑलरेडी. फिर भी अगर आपको स्पेलिंग बार बार जो आएगी वो क्या आएगी, 100 की ही आएगी. तो 100 अगर 1 लिखना है तो 1 की तो आपको आती है स्पेलिंग, 2 की आती है, 3 की आती है, आगे तो आपको 100 तक की आती है. तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगी. आई होप यू गेट द चैप्टर व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू. सो डू योर वर्क, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, गुड लक.